वेलकम टू स्कॉलास्टिक क्लासेस। सो हमारा आज का जो टॉपिक है दैट इज हाउ टू सिंप्लीफाई रूट्स। दिस इज पार्ट टू ऑफ दैट सीरीज। इसमें हम कुछ एग्जांपल्स लेंगे और वी विल सी कि हम रूट्स को कैसे सिंप्लीफाई करते हैं। राइट, सो सबसे पहले आई एम टेकिंग अ वेरी सिंपल क्वेश्चन हियर। यहाँ पे देखिए 2√3 + √3। राइट, सो अब देखिए ये आपके पास एक टर्म है, दिस इज द सेकेंड टर्म हियर। सो यहाँ पे आप कॉमन क्या ले सकते हैं दोनों टर्म्स में, √3 इज कॉमन। तो अगर हम रूट थ्री ले लेते हैं यहाँ पे, सो इनसाइड द ब्रैकेट व्हाट इज लेफ्ट, यहाँ 2√3 को अगर हम देखें, √3 हम ऑलरेडी बाहर ले चुके हैं, तो यहाँ बचा 2 प्लस। यहाँ पे अब हम सेकेंड टर्म देखें, √3 ऑलरेडी बाहर है, इसका मतलब यहाँ पे वी विल राइट 1। सो आप ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, यू विल गेट 3 और √3 आपके पास ऑलरेडी है, सो योर आंसर इज 3√3। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द सेकेंड एग्जाम्पल हियर। इस एग्जाम्पल में देखिए √32, √48, √8 एंड √12, ये चार आपके पास रूट में नंबर्स हैं। अब ये चारों ही परफेक्ट स्क्वायर्स नहीं है, राइट, सो अब वी हैव टू सिंप्लीफाई दिस। सो अब हमने क्या करना है, फर्स्ट नंबर देखते हैं, √32 है आपके पास। अब आप देखिए 32 को कैसे आपको फैक्टराइज, बेसिकली 32 को आप कैसे ब्रेक डाउन कर सकते हैं, ऐसे ब्रेक डाउन करना है आपने जिसमें आपको एक परफेक्ट स्क्वायर मिल जाए। राइट, फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास 32 है, आई कैन राइट इट एज 16 × 2। राइट, सो अगर मैं √16 और √2 लूं, सो √16 को हमने देखा था पिछली वीडियो में, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं √16 × √2। अब √16 परफेक्ट स्क्वायर है, किसका स्क्वायर है, जब आप 4 का स्क्वायर करते हैं सो आपको 16 मिलता है, तो √16 इज 4, आई कैन राइट इट एज 4। और √2 को हम आगे सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, सो वी आर गोइंग टू राइट इट एज 4√2। सो √32 को हम कैसे लिख सकते हैं, 4√2। So instead of √32, I am writing here 4√2 plus. अब हमारे पास next number है √48। अब आइए देखते हैं इसको कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 48 को आपको ऐसे ब्रेक डाउन करना है जिसमें आपको एक परफेक्ट स्क्वायर भी मिल जाए। राइट, सो लेट्स सी, √48 है, √48 को हम लिख सकते हैं 16 × 3 लिख सकते हैं, 16 × 3 लिख सकते हैं, और √16 क्या होता है, √16 इज 4, और ये हमारे पास ऑलरेडी √3 है, सो √48 को हम लिख सकते हैं 4√3। ओके, नाउ लेट्स सी डिनोमिनेटर में क्या है, डिनोमिनेटर में हमारे पास है √8, और √8 को आप लिख सकते हैं 2 × 2 × 2, मतलब 4 × 2 लिख सकते हैं। राइट, सो √4 एंड √2, अगेन दिस विल गिव यू 2√2, क्योंकि √4 क्या होता है, 4 2 का स्क्वायर है, दैट्स व्हाई वी आर राइटिंग 2 हियर। राइट, सो दिस विल बिकम 2√2 प्लस। अब हम देखते हैं √12 को हम कैसे लिख सकते हैं, 4 × 3 लिख सकते हैं √12 को, सो अगर हम इसको लेते हैं 4 × 3, सो √4 एंड √3 हमको मिल गया 2√3, सो आई एम राइटिंग हियर 2√3। अब देखते हैं क्या हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को फर्दर सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। न्यूमरेटर को देखते हैं पहले, इसमें इन दोनों टर्म्स में देखिए, इस टर्म और इस टर्म में कॉमन क्या है, 4। राइट, सो आई एम टेकिंग 4 आउटसाइड, एंड जब हम ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे व्हाट वी आर लेफ्ट विद, वी हैव √2 + √3 ओवर। नाउ इन दोनों में देखिए, डिनोमिनेटर में इस टर्म में और इस टर्म में कॉमन क्या है, 2 कॉमन है, अंदर आपके पास बचता है √2 + √3। राइट, नाउ अब आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को में कैंसिल कर सकते हैं √2 + √3 को, वी कैन कैंसिल दिस बिकॉज ये मल्टीप्लीकेशन में है यहाँ पे। राइट, सो 2 और 4 को भी आप कैंसिल कर सकते हैं 2, सो योर आंसर इज 2। एक और एग्जाम्पल लेते हैं एंड लेट्स सी कि इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। ओके, सो नाउ द क्वेश्चन इज √45 − √20 + √5। अब देखिए 4√5 ऑलरेडी सिंप्लीफाइड फॉर्म में है, 3√20, हम 20 को देख सकते हैं आगे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। पहले हम देखेंगे कि √45 को हम कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, तो √45 को आप लिख सकते हैं 9 × 5, 45 को हम लिख सकते हैं 9 × 5। नाउ 9 × 5 है, सो दैट मीन्स √9 √5, √9 मतलब 9 इज द स्क्वायर ऑफ 3, सो 3√5, तो √45 को वी कैन राइट इट एज 3√5 माइनस।
अब हम देखते हैं कि 3√20 को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं. 3√20, 3 को वैसे ही रखेंगे, 20 को हम कैसे लिख सकते हैं, 4 टाइम्स 5, 4 5 20 होता है ना. सो 3, इसको आप करेंगे √4 √5, अगेन √4 = 2, और यहाँ आपके पास बाहर था 3, सो 3 टाइम्स 2 जब आप मल्टीप्लाई करेंगे आपको मिलेगा 6√5. तो इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, आई कैन राइट इट एज 6√5 प्लस 4√5. अब देखिए इन तीनों टर्म्स, आपके पास यहाँ 3 टर्म्स हैं, तीनों टर्म्स में कॉमन क्या है, √5. आप इनसाइड द ब्रैकेट देखिए, फर्स्ट टर्म देखते हैं, अगर हम फर्स्ट टर्म में √5 इज ऑलरेडी देयर सो हम 3 लिखेंगे, माइनस सेकेंड टर्म लेते हैं, सेकेंड टर्म में √5 बाहर है तो -6, थर्ड टर्म देखते हैं √5 ऑलरेडी बाहर है तो बचता है 4. तो वेन वी विल सॉल्व दिस वी आर गोइंग टू गेट √5, और यहाँ आपके पास है 3 - 6, 3 - 6 विल गिव यू -3 प्लस 4, -3 + 4, तो -3 + 4 विल गिव यू 1. सो दैट मीन्स हम 1√5 हमारा आंसर हो गया, और 1 को हम यूजुअली लिखते नहीं है, सो हमारा आंसर क्या हो गया, √5.